फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे एरे रेफरेंस अरिथमेटिक की। टू डायमेंशनल एरे का थ्री एड्रेस कोड कन्वर्जन देखते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने वन डायमेंशनल एरे का डिटेल में कन्वर्जन देखा था। आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे में अगर हम देखें, तो अगर कोई आपको एरे दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कोई एरे आपका दिया हुआ ए थ्री फोर मीन्स थ्री रो होगा और फोर क्या होगा, फोर नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जिसको हम एम एन के भी नाम से जानते हैं। एम एन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मीन्स रो हो जाएगा एम और कॉलम हो जाएगा एन। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे यहाँ पे थ्री बाई फोर का। तो थ्री कॉलम, थ्री रो हो गए और फोर कॉलम हो गए। यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे की जो साइज है वो फोर बाइट यहाँ पे ले रही है। सारी कितनी साइज ले रही है, फोर बाइट। हर एलिमेंट अपना अपने में, जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था आपने वन डायमेंशनल एरे में कि हर बाइट, हर एलिमेंट कितना लेता था, फोर बाइट। यहाँ भी हर एलिमेंट कितनी बाइट लेगा, फोर बाइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन पहले हम देख लें। जो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्मेट में न होके वो दो फॉर्मेट में होता है, आइदर रो मेजर रिप्रेजेंटेशन और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। तो रो मेजर और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो रो मेजर रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका, वो सबसे पहले रो वाइज रो चलता है। कहने का मतलब थ्री रोज है तो जीरो रोज में, जीरो वन टू, रो जीरो में जितने भी एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा। तो जीरो एलिमेंट कितने, एट सिक्स थ्री टू। इसके बाद ये तो हो गया आपका कौन सा रो, ये हो गया रो जीरो। रो वन का एलिमेंट इसी के आगे आ जाएगा, रो वन के एलिमेंट ले लो तो क्या हो जाएगा, फोर फाइव नाइन वन, ये हो जाएगा आपका रो वन हो गया। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, रो थ्री सिक्स थ्री टू फोर, ये हो जाएगा आपका रो टू। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन। जो आपका सिस्टम में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो इसी फॉर्मेट में करता है। अब कॉलम रिप्रेजेंटेशन हम अगर देख लें, साथ कॉलम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कॉलम रिप्रेजेंटेशन होगा कॉलम, कॉलम मेजर। तो पहला कॉलम क्या होगा, कॉलम जीरो। कॉलम जीरो में एलिमेंट कौन कौन से हैं, एट फोर सिक्स, एट फोर सिक्स, ये हो जाएगा आपका कॉलम जीरो। कॉलम वन में सिक्स फाइव थ्री, ये हो जाएगा आपका कॉलम वन। नेक्स्ट कॉलम टू में थ्री नाइन टू, थ्री नाइन टू, ये हो जाएगा आपका कॉलम टू। और लास्ट में आपका आ जाएगा टू वन फोर, इसी को हम कहते हैं कॉलम थ्री। ये आपका क्या है, कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यहां पे देखिए दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पे अगर हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना होगा कि वो क्या एक्चुअल एड्रेस उसकी कितनी होगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी से हम, इसके लिए अलग फार्मूला होगा रो मेजर के लिए, कॉलम के लिए, कॉलम मेजर के लिए फार्मूला अलग होगा। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं दोनों का। अगर रो मेजर की बात करें तो रो मेजर कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है, ए आई जे, यहां पे आई जे क्या है आपका, जो एड्रेस, जो भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे फाइव ले रहे हैं तो फाइव का लोकेशन क्या है, वन वन, तो यहां पे जाएगा वन वन। अगर हम टू लेते हैं तो इसका लोकेशन क्या है, टू टू, तो हो जाएगा टू। अगर हम इस वन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन थ्री। इस तरीके से आई जे की वैल्यू ले रहे हैं। तो जो भी आई जे की वैल्यू होगा और लूप से हम लेंगे यहां पे, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी आपका, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस, बेस एड्रेस मीन्स जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस सिस्टम जनरेट करता है, मैंने पीछे भी बताया था। तो बेस एड्रेस यहां पे होगा। इसके बाद इसकी साइज, हर एलिमेंट की साइज कितनी बाइट ले रहा है, फोर बाइट। तो यहां पर हो जाएगा डब्लू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से, डब्लू मल्टीप्लाई बाई एन, ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपका एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन यहां पे जो शो कर रहा है कि जो आपका एरे का डिक्लेरेशन था उसमें कॉलम की साइज,
कॉलम की साइज कितनी दे रखा है 4 यहाँ पे, तो n यहाँ पे डिनोट कर रहा है, n यहाँ पे आएगा, m जब भी आएगा तो यहाँ से m की वैल्यू लेगा, तो n मल्टीप्लाई बाई आई माइनस एल आर, आई की वैल्यू कहां से ले लेगा, आई की वैल्यू यहां से मिल जाएगा, जिसका भी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो आई की वैल्यू यहां से मिल जाएगा। एल आर मतलब क्या है कि लोअर बाउंड रो का, रो का लोअर बाउंड क्या है यहाँ पे 0 है, इसी को हम एल आर कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे एल सी, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो एल आर प्लस जे माइनस एल सी, जे जे की वैल्यू कहां से जाएगी, जे की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, माइनस एल सी, एल सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिए, ये इंडेक्सिंग आपका चेंज भी हो सकता है, अगर इंडेक्सिंग यहाँ पे 10 से शुरू है तो 10 11 12 13 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 11 से शुरू है तो 11 12 13 कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसी की वैल्यू हम एल आर और एल सी लेके चलेंगे। तो इस तरीके से रो मेजर का हो जाता है। अगर रो मेजर के हिसाब से हम एग्जाम्पल सॉल्व करें, मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज ए, ए हम ले रहे हैं 1 2 का, 1 2 की लोकेशन पे कौन सा नंबर है 9 है, सपोज इसी का हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस एड्रेस हम लेके चल रहे हैं 10,000 हम बेस एड्रेस लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि कंपाइलर इसका जो है मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस 10,000 लेके चल रहा है। अब देखिए यहां डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू 4 होगा क्योंकि 4 ले रखा है, मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू कहां से आ जाएगी, एन देखिए यहां पे कितना है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1, माइनस एल आर मतलब 0, एल आर की वैल्यू कितनी है यहां पे 0, प्लस जे, जे मीन्स यहां पे कितना है 2, तो यहां पे हम लिख देंगे 2, माइनस एल सी, एल सी मतलब कितना है यहां पे 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 इक्वल टू 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 10,000 प्लस 24 इक्वल टू 10,024। तो ये एड्रेस जो होगा 10,024 इस 9th वैल्यू का जो लोकेशन 1 और 2 होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉलम मेजर देखें तो कॉलम मेजर में हम कैसे कर सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस बेस एड्रेस प्लस डब्लू मल्टीप्लाई बाई आई माइनस एल आर प्लस m मल्टीप्लाई बाई j माइनस एल सी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा कॉलम वाइज एड्रेस कैलकुलेशन करने का। अब सपोज कीजिए सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि मुझे इसी 9 वैल्यू का जो लोकेशन 1 2 है इसका मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है कॉलम वाइज, मतलब a 1 और 2 लोकेशन का, 1 और 2 लोकेशन पे अगर चले हम तो क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस हम एज्यूम कर रहे हैं 10,000, यहां भी अगर 10,000 लें प्लस डब्ल्यू की साइज क्या है, विड्थ वही होगी 4 होगी, मल्टीप्लाई बाई आई माइनस एल आर, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 माइनस एल आर, एल आर की वैल्यू कितनी है 0, एल आर क्या है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड रो, रो का, तो 0 हो गया, प्लस एम, एम की वैल्यू कितनी है यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाई जे, जे की वैल्यू क्या है यहां से निकल जाएगा, जे की वैल्यू 2 माइनस एल सी, एल सी की वैल्यू कितनी है यहां पे देखिए 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 इक्वल टू 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 10,000 प्लस 28 इक्वल टू 10,028। अगर आप यहां से देखें
तो यहाँ पे एड्रेस कितना आया आपका, यहाँ पे आएगा 10024 और यहाँ पे कितना आया 10028। अब देखिए कैसे यहाँ पे डिफरेंस कैसे आ रहा है, अगर हम रो वाइज काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 सिक्स लोकेशन पे नाइन्थ आ रहा है, लेकिन अगर हम कॉलम वाइज इसी को देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ नंबर पे आ रहा है। जब सेवन्थ नंबर पे आ रहा है इसीलिए यहाँ पे एड्रेस कितना आ गया 10028 और 10024 यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें रिजल्ट, जैसे हम लास्ट एलिमेंट अगर कैलकुलेट करें तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, दोनों केस में लास्ट एलिमेंट लास्ट में ही आएगा, तो लास्ट एलिमेंट का क्या होगा, एड्रेस दोनों केस में सेम ही आएगा। तो इस तरीके से एड्रेस का कैलकुलेशन हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। तो अब इसके बाद हम लेते हैं एक एग्जाम्पल को, जिसको हम सॉल्व करते हैं उसका थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं हम। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे दे रखा है, 8 10 10, जिसकी साइज क्या है, 10x10 की साइज है। मीन्स एम भी आपका 10 होगा, एन भी 10 होगा, ए आपका हो जाएगा एम, ए हो जाएगा आपका एन, ठीक है। यहाँ पे जो लोकेशन दे रहा है आपको आई के हर लोकेशन पे क्या पुटअप कर रहा है, 1। तो इसका हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर इस फॉर्मूला में देख लें हम यहाँ पे, तो ए आई जे यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है हमेशा किसको कैलकुलेट कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ वैल्यू कैलकुलेशन कितना और किसका हो रहा है, ए आई आई का। तो हम रो मेजर में अगर कैलकुलेट करें, रो या कॉलम मेजर किसी में हम देख सकते हैं, अगर रो मेजर में कैलकुलेट करें तो ए आई आई कि वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कैलकुलेट करें हम यहां से तो बेस एड्रेस होगा एक बी प्लस, ध्यान दीजिए यहां पे भी अगर हम 4 साइज लेते हैं तो डब्ल्यू की साइज अगर हम 4 लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई एन, यहां पे ध्यान दीजिए एन आ रहा है, एन का मतलब क्या होगा, यहां पे एन की वैल्यू कितनी, 10, दोनों की साइज एम एन 10 है, तो यहां ले लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई I माइनस एल आर, आई माइनस एल आर मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू यहां पे आई दिया हुआ है, यही इसकी आई लेंगे यहां पे, तो हो जाएगा आई माइनस एल आर, एल आर जीरो लेके चल रहे हैं क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग उसमें भी होगा, इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे एल आर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और एल सी की वैल्यू हम जीरो लेके चल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अगर एल आर एल सी नहीं दिया हुआ है तो जीरो हम एज्यूम करके चलेंगे उसका, क्योंकि लोअर बाउंड आपका जीरो ही होगा। प्लस J माइनस एल सी, यहां से आया J माइनस एल सी, तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे J की वैल्यू I ही दे रखा है, तो I माइनस एल सी मतलब जीरो यहाँ पे फिर भी आ जाएगा, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें 10x10 में तो जीरो ही यहाँ पे भी आ जाएगा लोअर बाउंड इसका। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, B प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई I, 10 मल्टीप्लाई बाई I प्लस I, यही आ जाएगा। अगेन अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, b प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10i प्लस 1 मीन्स 11i हो जाएगा, 11i, और अगर इसको सॉल्व करें b इक्वल टू b, आगे नेक्स्ट स्टेप में चलें तो b प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44i, इस तरीके से आपका निकल गया। अब इसको हम देखिए, बेस एड्रेस जो जनरेट करेगा आपका, बेस एड्रेस कंप्यूटर जनरेट करेगा, कुछ भी जनरेट कर सकता है वो, लेकिन जो इसके साथ बेस एड्रेस साथ ऐड होगा वो हमेशा क्या ऐड होगा, इस केस में जब 10x10 हम लेके चल रहे हैं तो वहां पे 44i, मींस इस आई की जो रो मेजर में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रो मेजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो आई की जो वैल्यू होगी वो 44i के बराबर होगी। तो अब चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका थ्री एड्रेस कोड बनाते हैं। तो ये दोनों लाइन तो आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, इसको हम स्किप करते हैं, लाइन नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइन नंबर मैंने ले लिया यहां से। अब देखें आगे तो हम आई इक्वल टू क्या लिखा है, 0, तो आई इक्वल टू 0 हम ले लेंगे यहां पे, थ्री एड्रेस कोड में ऑलरेडी है। इसके बाद इफ आई इज लेस देन 10 गो टू किसी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगर एल्स करेगा तो अगेन गो टू किसी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इसके लिए हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब थ्री लाइन पे आपका गो टू आ गया फेल के केस में, तो ट्रू के केस में किस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं कंट्रोल, 4 पे, तो 4 पे आ जाएगा। ट्रू वाला पार्ट क्या कहता है, इस वाले लूप में आ जाए, जैसे ट्रू होगा यहाँ पे काम करेगा आपका। तो पहले हम आई की वैल्यू देख लेते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने टी वन ले लिया,
P1 is equal to, अभी मैंने इसको कैलकुलेट किया इसके केस में, तो यहाँ पे एड्रेस कितना होगा इसका 44 आई, तो 44 मल्टीप्लाई बाई आई, ये कहाँ से आएगा, अरे जो आपका टू डायमेंशनल अरे दे रखा है यहीं से 10 जो भी डायमेंशन होगा इसी से हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई आई हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अब हम पास करेंगे ए T1 की वैल्यू हम रखेंगे क्या 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए जो T1 वैल्यू था टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, तो ए T1 में वैल्यू किसको पुट करेंगे 1 को, और I इज इक्वल टू आई प्लस 1 नेक्स्ट लाइन आ गया यहाँ पे। अगेन गो टू कहाँ करेगा इतना काम करने के बाद, गो टू लाइन नंबर 2, तो गो टू 2 लाइन नंबर पे आ जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फेल होगा, अब यहाँ पे फेल होगा तो इसके नीचे लाइन, यहाँ पे कोडिंग कुछ नहीं है, मतलब ए वाले गो टू में क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल अरे का 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको 2 डायमेंशनल अरे और 1 डायमेंशनल अरे दोनों का 3 एड्रेस कोड कन्वर्जन, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दोनों क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसीजर कॉल कन्वर्जन की और केस स्टेटमेंट के कन्वर्जन की।